से अपनी बात का आगाज करता हूँ। अर्ज किया है कि चांद है, चांद के चेहरे पे जिया भी कुछ है, चांद है चांद के चेहरे पे जिया भी कुछ है, रात के पास अंधेरे के सिवा भी कुछ है। चांद है चांद के चेहरे पे जिया भी कुछ है, रात के पास अंधेरे के सिवा भी कुछ है, और सिर्फ पानी के हैं खतरे तो असर भी क्या हो। शेर पानी के सिर्फ पानी के हैं खतरे तो असर भी क्या हो, तेरे अश्कों में बता रंगे हिना भी कुछ है। सिर्फ पानी के हैं कतरे तो असर भी क्या हो, तेरे अश्कों में बता रंगे हिना भी कुछ है। और मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, कुछ तेरा हुस्न जो है मेरी अना भी कुछ है। मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, कुछ तेरा हुस्न जो है मेरी अना भी कुछ है। और शेर मुलाजा फरमाए मन्नान साहब के हवाले से आपके खूबसूरत समाजों की नज़र, दोस्तों मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है, दाद की नहीं, क्योंकि दाद में कभी कभी मफहूम गायब हो जाता है। मुलाजा फरमाए शेर, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ कि कुछ तेरा हुस्न जो है मेरी अना भी कुछ है, और पास था वो तो सभी उसमें सिमटाया था, पास था वो तो सभी उसमें सिमटाया था, उससे छुटकर ये लगा उसके सिवा भी कुछ है। अरे शुक्रिया दोस्तों, मैं आपकी समाजों को सलाम पेश करता हूँ कि पास था वो तो सभी उसमें सिमटाया था, उससे छुटकर ये लगा उसके सिवा भी कुछ है। और शेर मिलाजा मैं हाजिर करता हूँ उस्ताद शायर असीज बुरहानपुरी साहब, जिनका दरियाए फैज हमारे दिलों की वादियों से होकर बहता रहता है, उनका हुक्म मेरे लिए बाई से फख्र है। मैं हाजिर करता हूँ उनके हुक्म की तामील में, के पास था वो तो सभी उसमें सिमट आया था, उससे छुटकर ये लगा उसके सिवा भी कुछ है। और मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, कुछ तेरा हुस्न जो है मेरी अना भी कुछ है, कुछ तेरा हुस्न जो है मेरी अना भी कुछ है। और मक्ते का शेर भी मिलाजा फरमाए बदल के, कि बेनियाजी आजजी मेरी ये कहती है खुदा से अथर। दो चीजें हैं जिसको इंसान कम समझ पाता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर समझता है। आजजी इंसान के लिए है, किब्र अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए बेशक किब्र अल्लाह की चादर है। अल्लाह फरमाता है कि अगर इसको कोई खोने की कोशिश करेगा तो वो हलाक हो जाएगा। जबकि इंसान ने किब्र अपने लिए समझ लिया और आजजी पता नहीं किसके लिए समझ ली। इस शेर जी अल्लाह फरमाए कि आजजी मेरी ये कहती है खुदा से अथर, आजजी मेरी ये कहती है खुदा से अथर, बेनियाजी है तेरी मेरी दुआ भी कुछ है, मेरी दुआ भी कुछ है, आजजी मेरी ये कहती है खुदा से अत्तर, बेनियाजी है तेरी कहते तो हैं मगर ये भी। आपकी समाप्त कर रहा हूँ कि घर मुलाजा फरमाइश घर में रहते तो हैं, घर में रहते तो हैं मगर ये भी एक सूरत है बेमकानी की, रहते तो हैं मगर ये भी एक सूरत है बेमकानी की। और शेर मुलाजा फरमाए के इम्तिहान इब्तिला कशिश कोशिश, इब्तिला कशिश कोशिश, यूं बसर हमने जिंदगानी की, इब्तिला कशिश कोशिश, यूं बसर हमने जिंदगानी की। और मुलाजा फरमाए आखिरी शेर भी कि दोस्तों को दुश्मनों को गले लगा के शकील, दुश्मनों को गले लगा के, दुश्मनों को गले लगा के शकील, हमने खुद पर ही मेहरबानी। अरे अदर भाई संग पर भूल गए।
एक मजा तो दी चलते मैं हाजिर करता हूँ मन्नान भाई का हुक्म है तंग पर गुल गिराने की मैं अयूब मनिहार साहब की अस्मतों को सलाम पेश करता हूँ और मैं दुआ को करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता फरमा दे। उनकी जो काविशें उर्दू अदब के हवाले से हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी खिदमतों को उर्दू के हवाले से आप लोग सराहिएगा, उनकी पज़ीराई कीजिए और उनके लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह उनको सेहत दे। मैं सदरे मुहतरम की इजाजत से एक मतला दो तीन शेर आपके पढ़ना करता हूँ। संग पर गुल खिलाने की जिद छोड़ दे। आज मोदी साहब मुसलमानों की खुशामद कर रहे हैं, उन्हीं को खिताब है इस गजल में, मुलाहिज़ा फरमाएं। के संग पर गुल खिलाने की जिद छोड़ दे। खून रुलाकर हंसाने की जिद छोड़ दे। संग पर खिलाने के बाद कोई नहीं हंसा करता है। वाह वाह वाह। संग पर गुल खिलाने की जिद छोड़ दे। कि आग अपना पराया नहीं देखती। आग अपना पराया नहीं देखती। घर किसी का जलाने किसको ले जाइएगा। खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, सब आपके दिल से दुआएं मिल जाएं। दोस्तों आप अय्यूब मनिहार साहब के साथ तालियां बजाएं, मैं भी बजाता हूं आपके साथ। खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, खुद को ऊंचा
उठाना है तुझको अगर सबको नीचा और शेर मिलेगा फरमाए के संग बुलबुल खिलाने की जिद छोड़ दे आग अपना पराया नहीं देखती आग अपना पराया नहीं देखती घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे आग अपना पराया नहीं देखती खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर सबको और शेर मिला फरमाए कि मान जा दोस्तों में मुनाफिक भी है कि मान जा दोस्तों में मुनाफिक भी है सब फरमाए कुछ पड़ोसी बहुत खुश हैं भाई मेरे कुछ पड़ोसी बहुत खुश हैं भाई मेरे घर में करके आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि माइक साथ नहीं दे रहा है वो सांस खींच ले रहा है आवाज भी बैठी जा रही है मुलाजा फरमा लीजिए आपने शेर कि तुझको तड़पाएगी दोस्त यादे वतन तुझको तड़पाएगी दोस्त यादे वतन तू वतन बाबा।